Assalamualaikum, welcome to my channel Kitchen with Antal। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आज हम बनाने लगे हैं चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है और आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखिए कोको पाउडर ले लिया है, 1 डिवाइडेड 4 कप यानी कि हाफ कप हमने यहाँ पर कोको पाउडर लिया है। 1 कप हमने जो है वो मिल्क ले लिया है, 2 अंडे ले लिए हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने 1/2 कप ऑयल लिया है, 1/2 कप हमने ब्राउन शुगर ली है। आप ब्राउन शुगर ले लें या दूसरी ले लें जो भी, लेकिन यहाँ पर हमने ब्राउन शुगर लिया। उसके बाद हमने 1 कप जो है वो मैदा ले लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने वनीला एसेंस ले लिया। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, हमने यहाँ पर लिक्विड फ्लेवर ले लिया है वनीला एसेंस का। ये देखिए यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम 2 अंडे डाल रहे हैं इस तरीके के साथ। इसके अंदर हमने 2 अंडे डाल दिए हैं। ये देखिए हमारे पास हैंड बीटर है, जो बीटर होता है वो हर किसी के पास होता है। ये देखिए इसको हमने इस तरीके के साथ जो है बीट कर लेना है। ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके के साथ बीट कर लिया है। अब इसके अंदर हमने डालना है, ये देखिए हम इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड कर रहे हैं। ब्राउन शुगर जो है हमने 1/2 कप ली है इस तरीके के साथ। उसके बाद हमने इसको दोबारा से अच्छी तरीके के साथ बीट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके के साथ बाद ये देखिए हम 1 डिवाइड बाय 4 कप जो है वो कोको पाउडर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर ये देखिए मैदा ऐड कर रहे हैं। और हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर रहे हैं, ये देखिए। अब इसको अच्छे तरीके के साथ हम मिक्स कर लेंगे। हम 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर रहे हैं, ये देखें। और उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून यहाँ पर वनीला एसेंस, वनीला एसेंस आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। ये देखें इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वनीला एसेंस ऐड कर रहे हैं हम। उसके बाद इसको जो मिल्क है इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे तरीके के साथ हैंड बीटर के साथ क्या है बीटते जाएंगे। ये देखिए बीट करते जाएंगे। हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है और उसके अंदर हमने एक छोटा सा स्टैंड रख दिया। अगर आपका स्टैंड नहीं है तो आप कोई ढक्कन रख लें, स्टील का या कुछ भी रख लें, और आप गैस को बिल्कुल हाई फ्लेम पे चला लें ताकि जो है कि अच्छे तरीके के साथ गर्म हो जाए। और इसको कवर कर दें आप अच्छे तरीके के साथ, इस तरीके से इसको कवर कर दें और इसको 5 से 10 मिनट कवर करके रखें ताकि अच्छे तरीके के साथ गर्म हो जाए। यहाँ पर हमने एक मोल्ड ले लिया है जिसके अंदर हमने ये देखिए बटर पेपर को बिछा लिया अच्छे तरीके के साथ। अब इसके अंदर बटर पेपर को हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। बटर पेपर को हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा रहे हैं इस तरीके के साथ। जो हमारा मिक्सर है वो अच्छे तरीके के साथ रेडी हो चुका है। अब इसको हमने इस मोल्ड के अंदर डाल लेना है। ये देखिए देखिए 5 मिनट के अंदर हमारा केक जो है वो ज़बरदस्त तरीके के साथ तैयार हो रहा है। मिक्सर जो है वो एवरीथिंग रेडी है। बर्तन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ गर्म हो चुका है। अब अपना जो मोल्ड है इसके अंदर रख देंगे। ये देखिए हमारा मिक्सर जो है वो एवरीथिंग रेडी है। अब इसको हमने 1/2 घंटे तक कवर करके रखना है। उसके बाद हमने ये कवर उठाना है, ठीक है। 1/2 घंटे तक हम इसको कवर करके रख रहे हैं। देखिए हमारा ज़बरदस्त सा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये बिल्कुल सही बना है कि नहीं। ये देखें कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल बिल्कुल तरीके के साथ ये तैयार हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। देखिए हमारे पास चॉकलेट पड़ी हुई थी, इसको मेल्ट कर रहे हैं अच्छे तरीके के साथ। इसको मेल्ट करके हम इस केक के ऊपर लगाएंगे। ये देखें आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, डेरी मिल्क ले लें, बबली ले लें, जो मर्जी ले लें। हमने यहाँ पर डेरी मिल्क चॉकलेट ली है और इसको अच्छे तरीके के साथ मेल्ट करने लगे हैं। देखिए हमने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया। अब चॉकलेट को इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे तरीके के साथ। ये देखें इस तरीके के साथ हमने चॉकलेट को, बेशक आप हाथों से लगा लें या चम्मच से लगा लें, चारों साइडों पे लगा लें। इसके ऊपर हमने चॉकलेट लगा लिया इसको अच्छे तरीके के साथ। अब इसको हम 1/2 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, उसके बाद डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बहुत ही मज़ेदार सा केक हमारा 5 मिनट में जल्दी से रेडी हो गया है। अगर आपको मेरे केक पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।